तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स आज डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, हिस्टोरिकल अंडमान पे आपका स्वागत है एंड हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप बाराटांग का देख चुके थे, बाराटांग में कुछ आइलैंड्स थे, वहाँ पे पैरट आइलैंड है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मैं फिर से कहता हूँ हज़ारों की तादाद में पैरट्स आते हैं उस आइलैंड पे। उसको देखने के लिए आपको सिर्फ शाम के वक्त में जाना होगा और अगर वो आइलैंड आपको विजिट करना है तो एक नाइट आपको स्टे बाराटांग में करना होगा, क्योंकि बाराटांग से वापस आने का जो कन्वे है वो 3 बजे आखिरी होती है, तो सेम डे का प्रोग्राम आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, बाराटांग से आप रिटर्न ना भी आए तो भी आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए आप नॉर्थ अंडमान जाते हैं जहाँ पे ट्विन आइलैंड जिसको रॉस एंड स्मिथ आइलैंड कहते हैं, तो वहाँ जाना है तो भी आपको बाराटांग पे उस रात तो रुकना पड़ेगा। तो इसके बाद में हम बाराटांग के बाद में अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमको जाना होता है रंगत, देन मायाबंदर, देन डिगलीपुर। तो रंगत में एक दो बीच है, आमकुंज बीच है, बीच में आपको मैंग्रोव राइड के लिए वॉकवे बना के रखे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। मोरिज डेरा एक बीच है, वहाँ जा सकते हैं। देन उसके बाद में मायाबंदर में कुछ बीच है वो देख सकते हैं। वहाँ पे एक ऑस्टिन ब्रिज है जिसके ऊपर से आप डिगलीपुर का रोड को ले लेंगे। डिगलीपुर इज नॉर्थ अंडमान। तो दोस्तों डिगलीपुर जब आप जाएंगे तो डिगलीपुर पे जिस दिन आप जाते हैं उस दिन तो आपका टूर नहीं हो पाता है, तो आपको सुबह के टाइम पे वहाँ से आपको गाड़ी वाला लेके जाएगा। देन आपको एक स्पीड बोट का राइड मिलेगा 15 से 20 मिनट का, आप पहुँचेंगे ट्विन आइलैंड पे। ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं ट्विन आइलैंड, ये दो अलग अलग आइलैंड है, बीच में ये कनेक्टेड है सैंड बार से। जब हाईटेड होता है यानी ज्वार होता है तो ये आइलैंड जो है अलग हो जाते हैं, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। बट जब भाटा होता है जिसको लो टाइड कहते हैं, तो भाटे में क्या है, ये 1 किलोमीटर का जो जर्नी है आप बाई वॉक क्रॉस कर सकते हैं सैंड के ऊपर से। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है ये। एंड पानी की तो क्या बात करो, क्रिस्टल क्लियर पानी है वहाँ पे, समुंदर का जो पानी है। बट इस आइलैंड का कंडीशन ये है, आपको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं वहाँ पे। आप आइलैंड पे उतरने के बाद से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 3 घंटे आपके लिए पूरा वो बोट वहीं रुका रहेगा। आपका 3 घंटा पूरा होने के बाद वो आपको लेके वापस आएगा एंड अगर उसको ट्रिप मिला तो वो दोबारा जाएगा। तो इसका कुछ चार्जेस वगैरह है जो हम इसमें अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा साउथ अंडमान से हम नॉर्थ अंडमान गए। अब अगर हम हैवलॉक नील या कहीं और जाए तो मैं आपको बता दूं, हैवलॉक का हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नामकरण दोबारा से किया था, जिसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। तो अभी एक्चुअली हमें आदत नहीं हुई, हैवलॉक बोल बोल के हम रुके पड़े हैं। तो अभी नाम इसका नामकरण जो हुआ स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप में देखिए देखने को क्या क्या है आपको। सबसे पहला बात तो आप अगर देखना चाहते हैं स्वराज द्वीप में, तो वहाँ पे है राधानगर बीच, जो आप तो जानते ही होंगे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है राधानगर बीच। एंड उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव्स आता है, जब वेव्स का टाइम होता है यहाँ का वेव्स जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड स्विमिंग के लिए अलाउड है यहाँ पे, पोडलर पे तो कहीं अलाउ नहीं है बट यहाँ पे है। देन उसके बाद में एक आता है काला पत्थर बीच, ये भी हैवलॉक पे ही है, शहीद द्वीप पे ही है, सॉरी स्वराज द्वीप पे ही है। तो स्वराज द्वीप पे काला पत्थर बीच, जहाँ पे शैलो वाटर में आप अच्छा से स्विम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। दुकान है वहाँ पे, छोटे छोटे कीसॉक्स बने हैं जिससे आप काफ़ी कुछ लाइक शंख वगैरह ऐसे ही बहुत कुछ आपको यहाँ पे हैंडमेड मिल जाएगा। तो एक और बीच है हैवलॉक पे यानी स्वराज द्वीप पे, एलिफेंटा बीच, जिसको वहाँ का ओशन वर्ल्ड कहा जाता है। स्वराज द्वीप पे अगर आप एलिफेंटा बीच पे जाते हैं तो जाने के लिए आपको एडिशनल पे करना होता है, स्पीड बोट लेना होता है, 10+2 सीटर होता है एंड नियर अबाउट 30 से 40 मिनट की जर्नी होती है। जब उस आइलैंड पे जाते हैं वहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। एंड करने को बहुत कुछ है वहाँ, मीन्स आप कह सकते हो बनाना राइड से लेके पैरासेलिंग, देन स्नॉकलिंग, बहुत बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं।
जो आप वहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही मज़ा कर सकते हो आप। मीन्स आप दिल खोल के पानी में नहा सकते हो, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बट कंडीशन ये है, मौसम साथ देना चाहिए, अंडमान में मौसम कभी भी बदल जाता है। तो आप अगर एलिफेंटा बीच जाते हो, वहाँ पे कूड़ा कचड़ा बिल्कुल भी ना फेंकें, अदरवाइज आपको फाइन लग सकता है। तो ये हो गया एलिफेंटा बीच। इसके बाद हम जाएंगे नील आइलैंड। अगर हम नील आइलैंड जाते हैं, देखिए नील आइलैंड सर मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आता है, बट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, स्पेशली द बीच भरतपुर। भरतपुर बीच जो कि आपके हार्बर से वॉकेबल डिस्टेंस है, बट बहुत ही प्यारा बीच है, बहुत ही प्यारा, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत सेफेस्ट है। आप दिन भर छाए में बैठ के, पेड़ बीच के ऊपर लाइन से पेड़ है, आप छाया में रह के बहुत ही इंजॉय कर सकते हो, बच्चों को पानी में बेफिक्र छोड़ सकते हो, क्योंकि पानी जो है वहाँ का बहुत ही लो लेवल में होता है, बहुत ही शैलो वाटर है वहाँ का। देन आता है नेचुरल ब्रिज, आप फोटो में देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा अभी फोटो में जो है, ये है नेचुरल ब्रिज, ये पूरा रॉक फॉर्म्ड है, नेचुरल बना है। तो ये एक भी यहाँ पे भी आप लो टाइड के वक्त पे जा सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली आपका जो टूर ऑपरेटर होगा वो उस हिसाब से आपको वो भेजेगा। नेक्स्ट, अगर आप सारे नील आइलैंड को कवर कर लिए, ऐसे ही लक्ष्मणपुर बीच है कुछ कुछ का, देन आपको वापस आना होता है पोर्ट ब्लेयर। कुछ और पॉइंट्स दोस्तों, जैसे कि लिटिल अंडमान हो गया, जहाँ पे वाइट सर्फ वाटरफॉल है, बट लिटिल अंडमान गेस्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते टूरिस्ट, क्योंकि पूरे दिन की बाई शिप जर्नी होती है एंड रेगुलाइज नहीं है फेरी जो है, आपको रिटर्न आना है, फ्लाइट का इशू हो जाता है, तो रेगुलाइज नहीं है। बट जो लॉन्ग वीकेंड्स के लिए आते हैं, लंबी छुट्टी लेके आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है लिटिल अंडमान। एंड उसके बाद अगर हम बात करें निकोबार डिस्ट्रिक्ट की, तो अब तक सब मानते थे कन्याकुमारी जो है हिंदुस्तान का सबसे आखिरी पॉइंट है, बट गलत। हिंदुस्तान का आखिरी पॉइंट, आखिरी छोर जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यस, ये अंडमान निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है जो कि ग्रेट निकोबार में आता है। इंदिरा पॉइंट, वहाँ पे एक लाइट हाउस है, आपको अभी सामने आपका फोटो दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं कभी गया नहीं हूँ, बट लोगों का मानना है कि लाइट हाउस में अगर आप चढ़ जाए और रात का वक्त में यहाँ से दूसरी कंट्री का लाइट दिखा देता है, यानी हमारे पास में जो सिंगापुर है, थाईलैंड है, मे बी कोई और होगा जो भी है, उनका लाइट दिखाई देता है। तो मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैं निकोबार आइलैंड पे रह चुका हूँ। मैं कैम्बल बे में जो ग्रेट निकोबार है, मैंने वहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट सुनामी के बाद रोड ख़राब हो जाने की वजह से मुझे कभी मौका नहीं मिला वहाँ पे जाने का। तो कभी ट्राई करेंगे, जहाँ भी जाए लोकल को पहले प्रेफरेंस दे, उसके बाद अगर आपको ऑप्शन ना मिले, आप जैसा आपको सही लगे। और एक और एडवाइस, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। थैंक यू, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।